प्रकाश यंत्र में स्थित मीन की आंख आप सबका लक्ष्य है मित्रों। संसार के सर्वाधिक शूरवीर और बलशाली यहां उपस्थित हैं, परंतु प्रश्न यह है कि आप में से इस जल प्रतिबिंब को देखकर मीन की आंख का लक्ष्य कौन भेद सकेगा। किसी भी मूल्य पर लक्ष्य भेदना है मित्र, मुझे विजय प्राप्त करनी है। अब मैं क्रम से वीरों का नाम पुकार कर उन्हें परीक्षण के लिए आमंत्रित करूंगा। सर्वप्रथम भद्रराज चल रहे अगले प्रत्याशी काशीराज। क्या ये असंभव लक्ष्य नहीं है सखा? प्रतिबिंब देखकर आकाश यंत्र में घूमती मीन का नेत्र वेदन, संसार में भला ये कौन कर सकता है? एक नहीं, तीन पुरुष हैं सखी जो ये लक्ष्य साध सकते हैं। और वो कौन है? हीर स्त्री का आभूषण होता है सखी, धैर्य रखो। प्रश्न उठा है तो उत्तर भी प्रस्तुत होगा। तीन पुरुष ये लक्ष्य साध सकते हैं सखी, इस सभा में दो उपस्थित हैं और तीसरा प्रवेश करने वाला है। अगले प्रत्याशी भगत नरेश जरासन।
चलिए सखा, कम से कम ये विश्वास तो हुआ कि ये धनुष उठाया जा सकता है। वैसे सखा, क्या अर्जुन भी ये धनुष उठा सकते हैं? सखा, यदि अर्जुन इस सभा में उपस्थित हुए तब भी मैं उन्हें पहचानूंगी कैसे? कैसे मुझे ये ज्ञात होगा कि वो यहाँ उपस्थित हैं? अर्जुन, परंतु सबका तो ये मानना है कि वो जीवित नहीं है। मैं ऐसा नहीं मानती सखा, क्योंकि मैं अभी तक जीवित हूँ। तुम कहाँ जीवित हो सकी? तुम तब तक जीवित नहीं जब तक अर्जुन ना मिल जाए, यही ना? और यही तो मेरा प्रश्न है केशव, कि मैं उन्हें कैसे पहचानूं जो मेरे जीवन का एक कारण है। जब वो क्षण आएगा तुम्हें स्वयं अनुभूत हो जाएगा सखी, तुम्हें अपने भीतर श्वास का प्रवास अनुभव होगा। वो अनुभूति तुम्हें आनंद नहीं पीड़ा देगी। वो पीड़ा जिसकी तुम्हें प्रतीक्षा है, वो पीड़ा जो तुम्हें आनंद से अधिक प्रिय लगे। क्या मुझे सच में ऐसा अनुभव होगा सखा? परंतु कब? कौन जाने, कदाचित अति शीघ्र। वो कौन है जो मेरी ओर देख रहे हैं? जो राजकुमारी के समीप बैठे हैं वो वासुदेव कृष्ण हैं, द्वारकाधीश। हमारे ममेरे भाई भी हैं, परंतु वो तुम्हें नहीं देख रहे। वो स्वयंवर में आए सारे प्रतिभागियों को देख रहे हैं। वो कमल नयन वाले हैं, इसीलिए सबको लगता है कि वो उन्हें ही देख रहे हैं, परंतु नहीं। और अब मैं आमंत्रित करता हूं अंतिम प्रत्याशी, हस्तिनापुर के युवराज दुर्योधन। अंतिम? दिन कब आएगा जब मैं इस दुष्ट की छाती पर गदा से प्रहार कर पाऊंगा? शांत, ये माता श्री की आज्ञा है, स्मरण रखना। हमें यहां पर किसी की दृष्टि में नहीं आना है। हम यहां पर स्वयंवर देखने आए,
और कुछ दक्षिणा ले, बस। मित्र, मित्र मैं जानता हूं कि तुम ये धनुष उठा सकते हो, परंतु स्मरण रहे कि तुम अपने पांव के मध्य तनिक दूरी बनाए रखना, ताकि तुम धनुष का बोझ संभाल सको। धनुष का एक भाग भूमि पर रखना, ताकि प्रत्यंचा चढ़ाते समय धनुष तुम्हारे हाथ से छूटे ना। बताइए ना, कौन है वो तीन पुरुष जो ये लक्ष्य साध सकते हैं? पहला मैं स्वयं, दूसरा पांडु पुत्र अर्जुन, और तीसरा मैं राधेकरण। मैंने संधान लक्ष्य देखकर ही किया, आपके नेत्रों में देखकर। कदाचित तीसरे वीर के लिए मैं आपका संकेत समझ गई हूं सका, परंतु वो इस स्वयंवर में भाग नहीं ले रहा है। आशा यही है सखी, परंतु नियति क्या कहे कौन जाने। श्री, इसकी पकड़ दुर्बल है और प्रत्यंचा तेलीय है, दुर्योधन के हाथ से फिसल जाएगी। नहीं, एकाग्रता बनाए रखो दुर्योधन, यदि ध्यान भटका तो प्रत्यंचा हाथ से छूट जाएगी। Ha ha ha!
क्या यही है संसार के सर्वश्रेष्ठ योद्धा? क्या इसी क्षमता के बल पर मेरी पुत्री का वरण करने आए थे आप लोग? प्रतीत होता है गुरुओं में अब वो क्षमता ही नहीं रही जो अपने शिष्यों को युद्ध कौशल सिखा सके। मेरी पुत्री का स्वयंवर अधूरा रह जाएगा, इस बात का दुख नहीं है मुझे, अभी तो खेद इस बात का है कि संसार के सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं में से एक भी योद्धा ऐसा नहीं है जो इस परीक्षण में सफल हो सके। महाबली मानकर आप लोग अपने आप से छल कर रहे हो। खेलिए पंचाल राज। मैं स्वयंवर में भाग नहीं लूंगा, परंतु तब तक जब तक यह स्वयंवर न्यायपूर्वक चलेगा और मेरे मित्र दुर्योधन के साथ कोई अन्याय नहीं होगा, परंतु अन्याय हुआ तो ना मैं अपने धनुष को रोक पाऊंगा और ना ही मेरे बाण मौन रहेंगे। तो आपने किया है। यदि आपको अपनी पुत्री के लिए धनुर्धारी चाहिए था तो शेष योद्धाओं का यहां बुलाकर अपमानित करने का छल क्यों किया आपने? यदि बल, बुद्धि, दृष्टि, एकाग्रता और लक्ष्य पर प्रहार करने की क्षमता जांचनी थी तो केवल धनुर्विद्या का परीक्षण क्यों? खड़क युद्ध क्यों नहीं? गदा कौशल क्यों नहीं? आप वसुदेव कृष्ण के परीक्षण पर संदेह कर रहे हैं? आप इन पर पक्षपात का आरोप लगा रहे हैं भद्र पुरुष? क्योंकि ये पक्षपात है। यदि ये गदा कौशल का परीक्षण होता तो मेरे मित्र युवराज दुर्योधन यहां उपस्थित सभी योद्धाओं को पराजित कर देते, परंतु नहीं, आपने ये परीक्षण एक पक्षीय रखा और उस पर आप महान गुरुओं की शिक्षा दीक्षा का अपमान कर रहे हैं। पांचाल राज, आपको आपकी ललकार का उत्तर अवश्य मिलेगा। एक शिष्य अपने गुरु के मान के लिए आपकी ललकार स्वीकार करता है। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos. देखते हैं इनके प्यार में कितनी पावर है।
पावर कपल को पावर बाय प्रिया गोल्ड स्नैकर 12 दिसंबर से शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे सिर्फ सोनी पर।